कोरोना के मामले देश में कम हो रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी में और कुछ शहरों में बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसे शहर में रहते हैं और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर देश की राजधानी में, दिल्ली में या फिर कुछ और राज्यों से कोरोना के बढ़ते मामलों की जो खबर आ रही है वो कितनी चिंता में डालने वाली है, तो ऐसे हर सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भी और आपके सारे परिवार को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर गुलेरिया, सबसे पहला सवाल यही है कि दिल्ली में जिस तरह से हम देख रहे हैं, दो दिन पहले 8,000 से ज्यादा मामले एक दिन में दर्ज किए गए, तो ये क्या सिर्फ त्योहारों की भीड़ है या ये जो तीसरी लहर कही जा रही है उसके पीछे कोई और भी कारण है जो लोग नहीं समझ पा रहे? तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो केसेस बढ़े हैं उसके हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हम त्योहारों की बात कर रहे हैं या अब शादियां हो रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ में जो हम देख रहे हैं कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है या मास्क लगाना है ये लोगों ने छोड़ दिया है। और ये ऐसे ही सिचुएशन में कोई भी इवेंट एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है, जहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इन्फेक्शियस ज़्यादा हो, जो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है। ऐसे किसी इवेंट में अगर एक व्यक्ति मान लो 30-40 या 50 लोगों को इन्फेक्शन दे देगा तो वो आगे जाके और इन्फेक्शन फैलाएंगे और एकदम स्पाइक इन केसेस हो जाएगा। उसके साथ साथ सर्दियों का मौसम भी है, ठंड के कारण जो कोविड कोरोना वायरस है ये ज़्यादा देर हवा में रहता है और ठंड के कारण हम घर के अंदर ज़्यादा रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, वेंटिलेशन हमारी बंद हो जाती है क्योंकि हम अंदर गर्मी चाहते हैं, तो उस माहौल में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने में वायरस को थोड़ा आसानी लगती है और एकदम इन्फेक्शन घर के अंदर फैल जाता है। तो और तीसरा जो है वो है कुछ हद तक पोल्यूशन के कारण, जो हम दिल्ली या इंडो गैंजेटिक बेल्ट में देख रहे हैं कि पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, एयर क्वालिटी जो है वो वेरी पुअर या सीवियर की रेंज में है, और ये भी देखा गया है कि पोल्यूशन के कारण COVID-19 इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो सकती है, क्योंकि पोल्यूशन भी फेफड़े पे असर करता है और कोविड भी जो बीमारी है शुरू में फेफड़े में ही से ही एंटर करती है बॉडी में। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि पोल्यूशन से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे और भीड़भाड़ से अपने आप को जितना बचाएंगे, त्योहारों को मनाने का सोशल डिस्टेंसिंग वाला तरीका अपनाएंगे, उतना ही कोरोना से बचाव रहेगा। डॉक्टर गुलेरिया, वो सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, वैक्सीन को लेकर बहुत चर्चा शुरू हो गई है। पहले अमेरिका से फाइजर ने यह कहा कि हम तैयार हैं, उसके बाद रशिया से खबर आई स्पुतनिक वी तैयार है, और अब खबर आ रही है भारत से भी कि कोविशील्ड जो है वो भी अपने थर्ड फेज में प्रवेश कर चुकी है। तो सबसे अहम सवाल से यह है कि वैक्सीन जो भी पहली आएगी वो कब तक आप देख रहे हैं कि आ जाएगी? सो वैक्सीन की तो बहुत ट्रायल्स हो रही हैं, भारत में कम से कम 3 वैक्सीन की तो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का phase 3 ट्रायल चल रहा है, भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, और जो जाइडस वाली कैडिला की वैक्सीन है वो भी अब उसका भी ट्रायल चल रहा है, और स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी से उसका भी ट्रायल चल रहा है। तो उम्मीद यही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, सेफ्टी भी अच्छी रही और इम्यूनोजेनिसिटी भी अच्छी रही कि वायरस जो है वो जो वैक्सीन जो है वो सेफ भी है और वो कामयाब भी है, वो प्रोटेक्शन भी देती है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत की अपनी जो वैक्सीन है वो अगले साल की शुरुआत में रेडी हो जानी चाहिए, उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाना चाहिए फ्रॉम दी गवर्नमेंट। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है कि इतने डोजेस बनाएं और फिर हम एक पूरा चेन बनाएं जिससे वो जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से पूरा जिन जिन लोगों को चाहिए उनके घर तक पहुंचे, उनको वैक्सीन लगे, और ये 2 डोजेज हैं वैक्सीन के तो दोनों डोजेज लगें, और उतनी सिरिंजेस हों, उतने नीडल्स हों, उतने ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर्स हों जो इंजेक्शन ये दे पाएँ जिससे लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जाए। ये एक और मेजर टास्क है, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोक्योरमेंट की तरफ से, तो मेरा ये मानना है कि वैक्सीन जो है वो अगले साल के शुरुआत में आ जानी चाहिए, और तब तक ये भी तैयारी पूरी हो जाएगी, लाइन लिस्टिंग भी हो जाएगी प्रायोरिटाइजेशन की कि किन को पहले वैक्सीन मिलेगी, और उस प्रायोरिटी के हिसाब से स्टेट्स में वैक्सीन दी जाएगी, और अगले कुछ महीनों में, अगले साल के शुरू कुछ महीनों में
वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। आपने बहुत बड़ी और अहम बात कही, आपने जो वैक्सीन गिनाई वो है जो भारत में तैयार हो रही है। अगर हम इसे ग्लोबली देखें, जो अमेरिका के दावे हैं, रशिया के दावे हैं, मान लीजिए कोई विदेशी वैक्सीन पहले आ जाती है तो उसके भारत तक पहुँचने की आप कितनी उम्मीद देखते हैं कि हो सकता है वो पहली वैक्सीन हो जो भारत में पहुँच जाए? जी, WHO का ये मानना है कि अगर हमें पैंडेमिक खत्म करना है, और ये साइंटिस्ट का भी मानना है, तो वैक्सीन की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल में होनी चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक तो हर एक कंट्री में है, सारे दुनिया में है। एक जगह अगर हमने वैक्सीनेट लोगों को कर दिया और दूसरी जगह नहीं किया, तो लोग तो ट्रैवल करते रहेंगे, वायरस मिक्स होता रहेगा और केसेस कम नहीं होंगे। बिल्कुल, इसलिए हमें जो वैक्सीन की पॉलिसी है और WHO ने जो बनाई है उसके हिसाब से जहाँ पे वैक्सीन, जिस कंट्रीज में वैक्सीन बनी है वहाँ के लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू WHO टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कई कंट्रीज हैं, भारत में तो ये कैपेसिटी है वैक्सीन बनाने की, लेकिन कई देश हैं साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में, जो वैक्सीन नहीं बना रहे, लेकिन उनके पास उनके यहाँ भी काफ़ी केसेज हैं। तो उसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि उनको वैक्सीन बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए वैक्सीन जो है वो सारे दुनिया में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि पैंडेमिक की लड़ाई किसी एक देश की लड़ाई नहीं है, पूरे दुनिया की लड़ाई है। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।